नवी मुंबई सिबड़ी बेलापुर स्थित न्यायालय में महालोक अदालत का आयोजन तीसरी बार किया गया, जिसमें अब तक सैकड़ों मुकदमों को सुलझा लिया गया है। न्यायालय में अब भी लाखों मुकदमे प्रलंबित है, जिसकी वजह से लोगों का समय और वक्त खराब हो रहा है। साथ ही न्यायालय में मुकदमों का ढेर लगता जा रहा है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सिबड़ी बेलापुर स्थित न्यायालय में महालोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर लोगों में जागरूकता के लिए न्यायाधीश ने यहाँ आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर इंसान की तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। उसी प्रकार से जब दो व्यक्तियों में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो वो किसी नेता के पास नहीं, न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था पर है, इसलिए वो अदालत आते हैं। लेकिन अगर लोगों की मध्यस्थता से दो व्यक्तियों का झगड़ा सुलझा दिया जाए तो इसका फायदा पक्ष और विपक्ष को पहुँचेगा। महालोक अदालत तो लोगों के लिए ही है और लोगों ने लोगों के मसले खुद अपन होके ये उसका हल करना, इसका ये मेन पर्पज है महालोक अदालत का। और इसके पीछे ऐसा है कि इससे दुश्मनी कम हो जाएगी, इससे ना पैसा का जो ज़्यादा खर्चा करना है वो इतना बंद हो जाएगा, और इससे बाकी एनर्जी जो ये करना है, गुस्सा है, दो घरों में वैमनस्य है, यानी कायम जिंदगी भर या दस उनके जो है आगे आने वाले पूर्वज वंशज है, तो वो सब लोग को रीढ़ मिलेगी इससे। इसीलिए महालोक अदालत की बहुत जरूरी है। ये हमारी तीसरी महालोक अदालत है यहाँ, जैसे कि अध्यक्ष ने कहा है कि तीसरी महालोक अदालत, लेकिन गए तो पिछले अदालत का मैं बोलूँगा कि पिछली जो महालोक अदालत है उसमें करीब 3.5 लाख मसले हल हो गए हैं, यानी कि वो इतना बड़ा बर्डन कम हो गया और उससे लोगों का बहुत सारा फायदा हो गया। इसीलिए लोगों का रेस्पॉन्स है हमको लोक अदालत के लिए। अभी ये बात है कि लोगों को लिटरेसी हो गई है, लेकिन क्या होता है कि कई बातें उसके इस रास्ते में आ जाती हैं। इसीलिए हमने पैनल तैयार किए और उनका थोड़ा सा जो रहता है तो वो किसी ने तो मध्यस्थ ने मेडिएटर ने वो दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, इसलिए हमने ये पैनल तैयार करे। मैं तो ऐसा अपील करूँगा कि झगड़ा करने से किसी का फायदा अभी तक तो हुआ नहीं है, तो झगड़ा मिटाना यही है जो अपने डार्विन का सिद्धांत है कि सर्वाइवल फिटेस्ट द सर्वाइवल, कि जो तड़जोड़ करता है यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज करता है जिंदगी में वही आगे जाता है, वही अपने इसमें प्रगति कर सकता है। और जो गुस्से में बैठता है वो खुद ब खुद मर जाता है। गुस्सा क्या चीज़ है, अपने पाँव से निकल के अपने मस्तक तक जाती है, दूसरे के मस्तक में जाती नहीं है सामने वाले के। तो ये जो अहंकार है या क्रोध है, ये क्रोध इसका मेन काम है। तो क्रोध से दो कदम तुम भी पीछे जाओ, दो कदम वो भी पीछे जाएगा, तो इसे अदालत कहते हैं, इसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। तो ये हम या इस महालोक अदालत में करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक आपसी सहमति से तकरीबन 3.5 लाख मुकदमे सुलझा लिए गए हैं। अगर लोग आपसी रंजिश भुलाकर न्यायालय में मुकदमा सुलझाते हैं तब वो उन परिस्थिति में अपनी समझ तथा अपना धन बर्बादी से बचा सकते हैं।